एक बार एक गुजराती और बंगाली ट्रेन में सफर कर रहे थे। चुक 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 चुक। अब दोनों बात करने के शौकीन चुप कैसे बैठे। बंगाली IAS सिविल सर्विस टाइप था और गुजराती व्यापारी। बंगाली बुद्धिजीव इंटेलिजेंट था। उसने एक गेम सजेस्ट किया कि दोनों एक दूसरे से एक एक सवाल करेंगे, गलत जवाब दिया तो दूसरे को पैसा देना पड़ेगा। पैसा, गुजराती की आंखें निकल आए, पर फिर उसे लगा कि बॉस बंगाली तो इंटेलिजेंट है, उसे तो हर जवाब आता होगा, और ये बेचारा 10वीं फेल। बंगाली ने बोला गेम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कुजू गलत जवाब के 10 रुपए देगा पर बंगाली देगा 100। अब गुज्जू भाई बोले ओके, तो गेम शुरू। बंगाली ने पहला सवाल पूछा कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी, भारी भरकम है ना। तो गुज्जू भाई ने, अरे आप ना विपिन भाई, 10 रुपए थमा दिए। अब बारी आई गुज्जू भाई की। तो गुज्जू ने पूछा ऐसा कौन सा जानवर होता है जो 4 पैर पर पहाड़ी चढ़ता है लेकिन 3 पर उतरता है। बंगाली ने सोचा खनोचा, साला जवाब नहीं दे पाया। दिए 100 रुपये। अब गुज्जू भाई ने नोट डाला खीसे में और चुपचाप सो गए। बंगाली ने जवाब नहीं पूछा? पूछा ना, पर गुज्जू भाई 10 रुपए और देते बोला कि भैया मैं तो 10वीं फेल, मुझे जवाब नहीं आता, मुझे सिर्फ धंधा आता है, 80 रुपया मुनाफा। धंधो राणा सर, और मैं हूं धंधो नो कंधो छोकर।